नमस्कार, मेरा नाम है अनुषा मिश्रा और आप देख रहे हैं द इंडिया वे। वर्ल्ड कप 2019 खत्म होने के बाद 1 अगस्त से इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच द एशेज सीरीज की शुरुआत हो चुकी है। इसके साथ ही टेस्ट क्रिकेट को लोकप्रिय बनाने के मकसद से वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप की शुरुआत भी हो गई है। आईसीसी ने इसके साथ ही क्रिकेट में एक और एक्सपेरिमेंट किया है। अभी तक खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट में नाम और नंबर वाली जर्सी पहनकर मैदान में नहीं उतरते थे। एशेज सीरीज में ऐसा पहली बार हुआ जब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाड़ी नाम और नंबर वाली जर्सी पहनकर खेलने के लिए उतरे। 22 अगस्त से भारत और वेस्टइंडीज के बीच भी टेस्ट सीरीज की शुरुआत होने वाली है। इस सब के बीच चलिए हम आपको बताते हैं क्रिकेट के दिलचस्प इतिहास के बारे में। वैसे तो क्रिकेट की शुरुआत 17वीं शताब्दी में ही हो गई थी, लेकिन 19वीं सदी की शुरुआत में इस खेल को लोकप्रियता मिलना शुरू हुई। उस समय तक खिलाड़ियों के लिए कोई भी ड्रेस कोड निर्धारित नहीं था, लेकिन जैसे जैसे ये खेल लोकप्रिय और प्रोफेशनल हुआ, खिलाड़ियों के लिए ड्रेस कोड की जरूरत महसूस होने लगी। क्योंकि क्रिकेट को यूनिटी और जेंटलमैन का गेम कहा जाता है, इसलिए उस वक्त यह तय हुआ कि खिलाड़ी सफेद रंग की जर्सी में ये खेल खेलेंगे। शुरुआत में सिर्फ टेस्ट मैच खेला जाता था और यह खेल कई दिन लंबा चलता था। खिलाड़ियों को गर्मी से बचाने के लिए भी उस समय सफेद जर्सी को महत्व दिया गया। 90 के दशक तक क्रिकेट सिर्फ सफेद जर्सी में ही खेला जाता था। 1992 में ऑस्ट्रेलिया में हुए वर्ल्ड कप में ऐसा पहली बार हुआ जब टीम्स अलग अलग रंग की जर्सी में मैदान में उतरी। इसके बाद हर देश की टीम के लिए अलग अलग रंग की जर्सी निर्धारित हुई और यह नियम सभी के लिए लागू कर दिया गया। 22 अगस्त से भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाले टेस्ट सीरीज में इस बार आप भारत को भी नाम और नंबर वाली जर्सी में देख पाएंगे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 1 अगस्त 2019 से शुरू हो चुकी है और 30 अप्रैल 2021 तक चलेगी। टेस्ट रैंकिंग की टॉप 9 टीम्स इसमें हिस्सा लेंगी। जून 2021 में इस चैंपियनशिप का फाइनल खेला जाएगा। भारतीय टीम भी इस सीरीज के दौरान 18 मैच खेलेगी और पूरी कोशिश करेगी कि वह यह खिताब अपने नाम कर सके। हाल ही में आईसीसी ने व्हाइट जर्सी की नाम और नंबर के साथ एक फोटो ट्वीट की है और यूजर्स से पूछा है कि यह सही है या गलत। आईसीसी के इस फैसले के बारे में आप भी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।